एक दिन एक जंगल में दो कपल्स जिया गौतम और प्रीतम शीना पिकनिक मनाने आते हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। गौतम, बेबी मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख? किस चीज की भूख बेबी? नॉटी हस्बैंड, खाना खाने वाली भूख। प्रीतम, मैंने सुना इस पिकनिक स्पॉट वाले जंगल में मीठे फलों के ढेर सारे फल हैं। तुम प्लीज जाकर मेरे लिए ला दो ना। ओके शीना बेबी। ओए चलो गौतम, अपने बीवियों की फरमाइशें पूरी करते हैं। प्रीतम और गौतम दोनों जंगल में फल तोड़ने जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक जब वो दोनों वापस नहीं लौटते, तब जिया और शीना दोनों घबरा जाती हैं और वो अपने पतियों की तलाश करने जंगल के भीतर जाती हैं। तभी वो अपने पतियों को एक पेड़ पर उल्टा टंगा हुआ देखती हैं। उस पेड़ पर और भी कई सारे आदमी नंगे उल्टे लटके हुए होते हैं। नहीं! और जब वो गाँव में जाती हैं, तभी उन्हें गाँव वालों से पता चलता है। तुम दोनों के विधवा होने के पीछे उस आदमी चुराने वाली चुड़ैल का ही हाथ है। जो आदमी उस जंगल में जाता है, वो चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसके साथ सुहागरात मनाकर उसे नंगा करके पेड़ पर उल्टा लटका देती है। इस हादसे के बाद उस जंगल में एक दिन दो सास बहू मेनका और धन्नो आते हैं। सास मेनका अपने पति ब्रिजेश के साथ होती है और बहू धन्नो अपने पति करण के साथ। चारों उस जंगल में टेंट बांधकर पिकनिक मना रहे होते हैं। वाह बहू, इंटरनेट बाबा ने सच ही कहा था, ये जगह भूतिया जरूर है, लेकिन नेचर का असली एहसास तो यहीं आकर होता है। माँ जी, आपकी बहू धन्नो तो है ही कमाल की। धन्नो बहू, मेनका, करण और मैं जरा लकड़ियाँ बीन कराते हैं। हाँ पापा, अंधेरा भी घना हो गया है, हमें अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की सख्त जरूरत होगी। ब्रिजेश और करण शाम के हल्के अंधेरे में जंगल में लकड़ियां बीनने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक औरत की मधुर आवाज सुनाई देती है। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अरे वाह करण बेटा, इस आवाज को सुनकर ही मेरे बदन के शोले भड़क गए। पापा, वो आवाज वहां उस ओर से आ रही है, चलिए। और वो दोनों झाड़ियों में उसके साथ नाचने लगते हैं। लैला लैला, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। मेरा नाम लैला है, चलो मैं तुम दोनों को जन्नत दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो चलो। ब्रिजेश और करण दोनों लैला के साथ झाड़ियों में जाते हैं, जहां वो उनके साथ सुहागरात मनाती है और उन्हें नंगा मारकर पेड़ पर टांग देती है। जब सास बहू मेनका और धन्नो अपने पतियों की तलाश करते हुए वहां आती हैं, तब वो लैला को देखती हैं और वो दोनों सभी आदमियों को पेड़ पर लटका हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं। कुलटा कलमुही नासपिटी, तूने हमारे पतियों की जान ले ली, तेरी तो ऐसी की तैसी। माँ जी, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन तभी लैला अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर धन्नो और मेनका बहुत डर जाती है। नहीं, ये तो एक चुड़ैल है, भागो। धन्नो और मेनका दोनों वहां से भागने लगती है और चुड़ैल लैला भी उनका पीछा करती है। भागते भागते मेनका एक नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन धन्नो वहीं पीछे रह जाती है। अब तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे मार दूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो चुड़ैल। चुड़ैल जैसे ही धनु पर हमला करने जाती है, मेनका उस नदी के अंदर से शंख लाती है और उस शंख को फूंकती है और शंख की दिव्य और पवित्र ध्वनि को सुनकर चुड़ैल के कानों से खून निकल आता है। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल के कराहने की खौफनाक चीख पूरे जंगल में गूंज कर दहशत फैला देती है और चुड़ैल खत्म हो जाती है। रश्मि देर रात तक जागकर फोन पर अपने बॉयफ्रेंड संजू से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक से उसे रात के 2 बजे सड़क से किसी के गाने की आवाज आती है। शीला शीला की जवानी, आई एम जस्ट सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी, न न न शीला शीला की जवानी, आई एम जस्ट सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। ये क्या, ये दोनों औरतें नाच क्यों रही हैं? बेबी, कहीं सड़क पर भूत तो नहीं नाच रहा ना? तुम्हें तो पता है ना, आजकल सर्बियन डांस लेडी का खौफ कितना फैल रहा है। वो एक मरी हुई औरत है जो सड़क पर नाचती है और फिर। नो बेबी, टेंशन मत लो। लगता है 2 बेवड़ी औरतें शराब पीकर सड़क पर नाच रही है। रुको बेबी, अभी इन दोनों को सबक सिखा कर आती हूँ। रश्मि नीचे जाती है और उन औरतों को डांटने लगती है। अरे वो पागल औरतों, कुछ काम धाम नहीं है तुम्हें? क्यों रात के 2 बजे सड़क पर ठुमके लगा रही हो? हाँ। तभी वो दोनों औरतें अपना जख्मी चेहरा दिखाती हैं और चाकू दिखाकर रश्मि को डराती हैं। अपने बदन के सारे जेवर हमें दे दे, वरना तुझे हम दोनों मार देंगे। जल्दी से निकाल, अगर अपनी जान प्यारी है तो। अब हाँ, देती हूँ। रश्मि अपने सारे जेवर उतार कर उन दोनों को देती है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो दोनों औरतें दूसरी कॉलोनी की लालची सास बरखा और बहू नंदा होते हैं, जो सर्बियन लेडी के खौफ का फायदा उठाते हुए खुद सर्बियन लेडी डांस करके लोगों को डरा रहे होते हैं। वाह 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 वाह, इस सर्बियन लेडी के डर के कारण तो हमारी हर दिन दिवाली हो रही है। चल, अब आज रात हम दूसरी कॉलोनी में जाएंगे और उधर के लोगों को डराएंगे। इस बार हम रईसों के बंगले के पास नाचेंगे ताकि ज्यादा पैसा मिले। बरखा और नंदा भूतिया गेटअप लेकर दूसरी कॉलोनी में जाती हैं और देर रात सड़क पर नाचने लगती हैं। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। सर्बियन लेडी मैं सर्बियन लेडी, ऐसी हूँ सर्बियन लेडी, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। सर्बियन लेडी मैं सर्बियन लेडी, ऐसी हूँ सर्बियन लेडी, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। तभी बंगलों के बाहर एक अमीर कपल एक पार्टी से आया होता है और वो दोनों को देखकर डर जाता है। ओ तेरी सर्बियन लेडी। नहीं, आज तो हमारे लग गए बेबी, अब हम क्या करें? चलो जल्दी से अपना पैसा और सारे गहने हमें दे दो, वरना तुम्हारे परिवार वालों को सीधे तुम्हारी 13वीं का लड्डू खाने होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। औरत और आदमी दोनों अपने पैसे और गहने बरखा और नंदा को उतार कर देते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक रात जंगल में जब बरखा और नंदा जा रहे होते हैं, तभी जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगारे ले लूंगी मैं, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौवा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। बहू, कभी सोचा नहीं था कि वो चुड़ैल सर्बियन लेडी की वजह से हम इतने पैसे कमा पाएंगे। और नहीं तो क्या, भला उस सर्बियन लेडी का। तभी वहाँ पर बरखा और नंदा दोनों के सामने सचमुच की सर्बियन डांसिंग लेडी आकर नाचती है। नहीं, ये तो सच की सर्बियन डांसिंग लेडी है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मेरा भेष बदल कर लोगों से पैसे लूट कर अमीर बनोगी? अब तुम दोनों गई, तुम दोनों को अब इन कांटों पर नाचना होगा, वरना मरना होगा। क्या? बरखा और नंदा दोनों को सर्बियन डांसिंग लेडी कांटों पर नचवाती है। ये दुनिया पित्तल थी, ये दुनिया पीतल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। दर्प की डांस करे, खुल के रो पैंस करे, डांस करे। सर्बियन डांसिंग लेडी उन दोनों को खा जाती है।